अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस बेहद ही खूबसूरत एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से मैं आप सभी के लिए YouTube पर क्लासेस नहीं दे पा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स आपको जान के खुशी होगी कि ऐसे स्टूडेंट जो इस बार 12th में आए हैं और जो महत्वाकांक्षी विद्यार्थी हैं, जिनका उद्देश्य है कि वो बिहार बोर्ड में टॉप 10 का रिजल्ट करना चाहते हैं, बिहार टॉपर जैसे रिजल्ट को वो अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस अब क्लास देना शुरू करेगा। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश का हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक वर्ड हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ यूट्यूब पे उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बिहार के लड़के, चाहे वो बिहार के किसी भी ज़िले से हों, वो अपने आप को इंग्लिश में कमज़ोर न समझ सकें। यू आर नॉट डल इन एनी लैंग्वेजेस। जब तक आप कोशिश शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? और आपका जो उद्देश्य है उसमें सहयोग करेगा बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस। तो आज से एक सीरीज शुरू हो रही है 2022-23 सेशन के लिए, यानी जिन बच्चों को 2023 में 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को फाइट करना है, उनके लिए एक अद्भुत सीरीज YouTube पे मैं शुरू कर रहा हूँ। और आपको अपनी पूरी बुक, जो कि रेनबो के नाम से 12th की बुक आती है, आपको इस चैनल पे इस पूरे बुक की हर एक चैप्टर की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको अदर इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ आप जुड़ें, निःशुल्क जुड़ें, कोई चार्जेस नहीं है इस क्लास के, बस उद्देश्य है आपको सफल देखना। और आपको सारी चीज़ें, सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस। रेनबो के साथ साथ आपको इस पूरे ग्रुप में ग्रामर की क्लास भी मिलेगी। जितने भी कंसेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन सारे कंसेप्ट को हम लोग एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। और वादा करता हूं कि नवंबर से पहले मैं आपका कोर्स फाइनल करा दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, 12th क्लास का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो आपको समझाऊंगा और जहां मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा, उसको जरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या आपके लाइन एक्सप्लेनेशन में या आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या आपके समरी में बहुत मददगार साबित होंगी। तो इस क्लास को एक वीडियो की तरह से नहीं, बल्कि आप यूं समझिए कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं और सामने टीचर आपको पढ़ा रहा है, तभी मेरा मकसद पूरा हो पाएगा, मेरी मेहनत पूरी हो पाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करें। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, आप जानते हैं। मैं आपसे निवेदन ये भी करूंगा कि जितने भी चैप्टर हैं आपके प्रोज और पोएट्री में, 11 चैप्टर्स प्रोज में हैं और 10 चैप्टर्स पोएट्री में हैं, तो इस तरह से आपके 21 चैप्टर्स होते हैं, तो आप 21 चैप्टर के राइटर का नाम जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में दो मिलान करने वाला मैच बॉक्स देता है, दो मैचिंग के ऑप्शन देते हैं और इनसे आपको 10 नंबर मिलते हैं और इसमें एक भी नंबर कटने के भी चांस नहीं। तो ये आपके 10 में 10 फिक्स हो जाएंगे अगर आप सभी लेखकों का नाम याद कर ले तो।
तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। दूसरी चीज, एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो ये किस प्रकार का प्रोज है? क्या ये एसे है, क्या ये शॉर्ट स्टोरी है, क्या ये स्पीच है, क्या है ये, आपको बताना होगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, और इस एसे में गांधी जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना की है यूरोपियन सिविलाइजेशन से, यानी कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा इसमें, भारतीय सभ्यता की तुलना होगी यूरोपीय सभ्यता से। और गांधी जी ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये साबित भी किया है कि हर मामले में भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से बेहतर है, बेस्ट है, ग्रेट है। आप ऑथर के बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि अगर बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो स्टूडेंट्स 80% क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ऑथर डिटेल्स से, बाकी 20% क्वेश्चन ही होते हैं जो इनसाइड द लेसन पूछा जाता है, लेसन में से पूछा जाता है, पाठ में से पूछा जाता है, 80% क्वेश्चन लेखक से जुड़े होते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक हमारे प्यारे गांधी जी हैं, जिनके कितने घने बाल हैं आप देख सकते हैं, और कारण है उस समय केस किंग या फिर इंदुलेखा नहीं आता था, गांधी जी के बाल उड़ गए, खैर कोई बात नहीं। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और इनकी डेथ 1948 में हुई थी। गांधी जी को मुख्य रूप से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से, द फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, और इंडियन पॉलिटिक्स में वो 1915 में आए और 1948 तक इंडियन पॉलिटिक्स पे वो डोमिनेटेड रहे, छाए रहे, उनका प्रभाव रहा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी का इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या समय रहा 1915 से 1948 तक। उन्होंने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और जानते हैं गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। गांधी जी एक स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे किसी राजनेता की अपेक्षा। उनकी इच्छा राष्ट्रपति बनने की या प्रधानमंत्री बनने की कभी नहीं थी, और अगर रहती भी तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी थी, जिस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा थी उस समय, अगर वो चाहते कि उन्हें राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो किसी में ताकत नहीं थी कि कोई उन्हें रोक सके। लेकिन उनको सत्ता की चाह नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक नेता थे। और आमतौर पे आपने गांधी जी की तस्वीरों में उनके साथ भगवत गीता देखा होगा, गीता रखते थे, रघुपति राघव, राजा राम, पति तपावन सीताराम का पाठ करते थे, उनकी प्रार्थना थी ये, तो वो एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन्स। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके दो हथियार थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा। इन्हीं दो हथियारों की बदौलत गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों आंदोलनों का नेतृत्व किया, और भारत ही नहीं विश्व भर में सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में उन्हें जाना गया, उनका उदाहरण दिया जाता है। इवन अमेरिका में भी जब सिविल वार हो रहा था, जब गोरे और काले आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी जी के विचारों से प्रेरित हुए थे और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी के विचारों का क्या प्रभाव है, कितनी ताकतवर उनकी विचारें रही हैं विश्व में, आप इनसे समझ सकते हैं, वो विश्व भर में लोकप्रिय रहे हैं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी जो जीवनी थी,
वो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मैंने आपको बताया, ये आप उसको देख सकते हैं, ये उनकी बुक का फर्स्ट पेज है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी ने इसे लिखा। आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ क्या है, तो आप लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी है, या गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम है। गांधी जी वॉज नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी गांधी जी न केवल एक सच्चे विचारक थे, विचारक तो थे ही, साथ ही साथ जो मुहावरेदार इंग्लिश होती है उसके बहुत बड़े जानकार भी थे, उन्हें इंग्लिश की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि गांधी जी अपने समय में यंग इंडिया के नाम से एक पत्रिका निकालते थे, यंग इंडिया के नाम से उनकी एक पत्रिका निकलती थी जिसके वो एडिटर थे। आप ये मैंने यंग इंडिया की एक तस्वीर ले रखी है, उस समय की है, जिसका आप डेट देख सकते हैं, 8 मई 1924, 8 मई 1924 की ये पत्रिका है, अहमदाबाद में इसे पब्लिश किया गया है, जिसको एडिट किया है महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया के नाम से जो पत्रिका निकालते थे वो इंग्लिश में होती थी, इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार थे। गांधी जी का मानना था, क्योंकि वो एक विचारक थे, तो उनका मानना था कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी होता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ही ज्यादा ये और चाहता है, इसलिए कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो आप इस लाइन को, इस पूरी लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको इसका एक आंसर लिखना है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, एक बीबीआई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप लिखते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। गांधी जी का यह अपना पर्सनल विचार था, इंसान का जो मन होता है वो एक बेचैन पक्षी की तरह से होता है, जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ही ज्यादा इसकी इच्छा और बढ़ जाती है। इन दिस एसे, इस निबंध में गांधी जी टॉक्ड अबाउट, गांधी जी चर्चा किए हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो सही सलामत नींव है उसकी। यहां साउंड का मतलब आवाज नहीं होगा, सही सलामत होगा, सुरक्षित होगा। तो गांधी जी ने इस पूरे ऐसे में भारतीय सभ्यता की नींव कैसे बची हुई है, कैसे भारतीय सभ्यता इतनी सुरक्षित है, इस पर बात करते हैं, इस पे विचार करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन को इस चैप्टर में ईस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाएगा, पूर्वी सभ्यता कहते भी हैं भारत की सभ्यता को, और यूरोपियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाएगा, पश्चिमी सभ्यता कहा जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन पूर्वी सभ्यता है और यूरोपियन सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता जो है, उसकी क्वालिटी ये है कि ये एलिवेट करती है, बढ़ावा देती है मोरल बींग को, यानी कि नैतिकता को, इंसानियत को, जबकि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो प्रोपगेट्स करती है, वो बढ़ावा देती है इमोरलिटी को, अनैतिकता को। भारतीय सभ्यता आधारित है ईश्वर के विश्वास पर, लेकिन जो यूरोपीय सभ्यता है वो गॉडलेस है, वो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करती। भारतीय सभ्यता का प्रिंसिपल है, भारतीय सभ्यता का सिद्धांत है लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, यानी सादा जीवन ऊंचा विचार, ये इसका आधार है, और अनेकता में एकता, बदलाव में भी एक समान रहना, यही इसकी शुद्धता का प्रतीक है। ये मैंने इस चैप्टर के कंक्लूजन्स निकाले हैं, इस पूरे चैप्टर से जो अच्छी बातें निकली हैं उन बातों को मैंने बताया है।
हमारे जो पूर्वज हैं, इस चैप्टर में हमारे पूर्वजों की बात हुई है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बड़े शहरों को, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े शहरों को एक जाल के रूप में देखा था, एक बेकार के बोझ के रूप में देखा था। उनका मानना था कि शहर जाल है, बेमतलब के बोझ हैं, वहां इंसान खुश नहीं रह सकते। और वे खुश थे अपने छोटे छोटे गांवों से, अपने छोटे छोटे गांवों से वे संतुष्ट भी थे, वो इंजॉय करते थे अपने ग्रामीण जीवन को। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी इस चैप्टर में बोले हैं कि वी हैव नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन को तहस नहस करने वाली कोई भी प्रतियोगिता हमारे पास नहीं है, हम संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं। इवन हम तो ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भात् भवेत्। हम तो ये कहते हैं कि पूरा विश्व सुखी रहे, सब लोग देख सकें, सब लोग स्वस्थ रह सकें, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। ऐसी भावना है हमारे भारतीय लोगों की, जीवन को तहस नहस करने वाली कोई प्रतियोगिता हमारे पास नहीं है। लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि भारत में भी पश्चिमी सभ्यता का प्रचलन हो रहा है, भारत में पश्चिमी सभ्यता की चीजें जोर शोर से लोग अपना रहे हैं। तो गांधी जी ने वार्न कर दिया था कि इट विल रून फॉर इंडियंस वी ट्राई टू कॉपी द वेस्टर्न कल्चर, कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को, अगर हम पश्चिमी संस्कृति को कॉपी करेंगे, अगर इसकी नकल करेंगे, तो भारत के लिए ये बर्बादी का सबक हो जाएगा, भारत के लिए ये बर्बादी का कारण बनेगा अगर भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना चाहेंगे। तो गांधी जी ने अपनी सभ्यता की बड़ाई करते हुए लिखा कि नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, सभ्यता का जो बीज, सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके ऑथर डिटेल्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि आपके चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ हम अपनी अगली क्लासेस में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार और फिर से ट्राई करके देखिएगा, एक बार और उसे चला के देखिएगा, ताकि ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं कल की क्लास में, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 7 होगा। इस क्लास की बहुत सारी वीडियोज आएंगी इस चैप्टर की, फिर हम नेक्स्ट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे कर करके एपिसोड बाई एपिसोड हम इस क्लास को पूरा करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।